हे काका देना ये वरदान, पाप की खुशी हो एक निशान। हे काका देना ये वरदान, पाप की खुशी हो एक निशान। और भले कुछ ना मिले, और भले कुछ ना मिले, बस करना ये आसान। हे काका देना ये वरदान, पाप की खुशी हो एक निशान। हे काका देना ये वरदान, पाप की खुशी हो एक निशान। ओ, और भले कुछ ना मिले, और भले कुछ ना मिले, बस करना ये आसान। हे काका देना ये वरदान, पाप की खुशी हो एक निशान। हे काका देना ये वरदान, आपकी खुशी हो एक निशान। को सर पे झेले, गुरु चरण में लीन हुए, शक्ति लक्ष्मी वैभव छोड़े, सेवा में तल्लीन हुए। हाँ, गुरु वचन को सर पे झेले, गुरु चरण में लीन हुए, शक्ति लक्ष्मी वैभव छोड़े, सेवा में तल्लीन हुए। ऐसे राज किए तुमने, ऐसे राज किए भक्त और भगवान। हे काका देना ये वरदान, आपकी खुशी हो एक निशान। हे काका देना ये वरदान, आपकी खुशी हो एक निशान। और भले कुछ ना मिले, और भले कुछ ना मिले, बस करना ये आसान। हे काका काका देना ये वरदान, आपकी खुशी हो एक निशान। क्या पाना क्या छोड़ना, मिसाल आपका जीवन है। रहना आना जाना ये अंदाज आपका जीवन है। क्या पाना क्या छोड़ना, मिसाल आपका जीवन है। रहना आना जाना ये अंदाज आपका जीवन है। आपका जीवन है सच्चा, आपका जीवन है सच्चा, गुरु भक्ति पैगाम। हे काका देना ये वरदान, आपकी खुशी हो एक निशान। हे काका देना ये वरदान, आपकी खुशी हो एक निशान। और भले कुछ ना मिले, और भले कुछ ना मिले, बस करना ये आसान। हे काका देना ये वरदान, आपकी खुशी हो एक निशान। हे काका देना ये वरदान, आपकी खुशी हो एक निशान। शब्दों से कोई बात भले सिद्ध होती है, प्रेम सेवा और महिमा से हर दिल की बगियां खिलती है। हाँ, तर्क दल
दलील और शब्दों से कोई बात भले सिद्ध होती है। प्रेम सेवा और महिमा से हर दिल की बगियां खिलती है। कृपा करके कर दो सबको, कृपा करके कर दो सबको, संबंध में गुलतान काका देना ये वरदान, आपकी खुशी हो एक निशान। काका देना ये वरदान, आपकी खुशी हो एक निशान। और भले कुछ ना मिले, और भले कुछ ना मिले, बस करना ये आसान। काका देना ये वरदान, आपकी काका देना ये वरदान, आपकी खुशी हो एक निशान। काका देना ये वरदान, आपकी खुशी हो एक निशान। काका देना ये वरदान, आपकी खुशी हो एक निशान। काकाजी तुम्हें प्रणाम, काकाजी तुम्हें प्रणाम, काकाजी तुम्हें प्रणाम, काकाजी तुम्हें प्रणाम। रचयिता सुहृद समाज के जो प्रकट हुए आज धरा पर, वो गंगोत्री आत्मीयता की है जो करे कल्याण संबंध से ही वो। काकाजी तुम्हें प्रणाम, काकाजी तुम्हें प्रणाम, काकाजी तुम्हें प्रणाम, काकाजी तुम्हें प्रणाम। रचयिता सुहृद समाज के जो प्रकट हुए आज धरा पर, वो गंगोत्री आत्मीयता की है जो करे कल्याण संबंध से ही वो। काम न कोई भी लेकर जो आपके दर पे आया, उसके मनोरथ पूर्ण किए प्रभु से संबंध कराया। काम न कोई भी लेकर जो आपके दर पे आया, उसके मनोरथ पूर्ण किए प्रभु से संबंध कराया। प्रगट से जोड़ दिया उसको, प्रारब्ध से मुक्त किया उसको, आधार प्रभु का दे करके कर दिया निश्चिंत फिर उसको। आज भी हो काका जी अनुभव आप कराते, भूल करे या प्रसंग बने कोई रक्षा आप ही करते। छोड़ दे हम मन बुद्धि को, मूर्ति में स्थिर करके मन को, सर्व पर सत्ता मान तेरी, करे वही तुम्हें पसंद है जो। प्रकट हुए जो आप तभी माया के बंधन टूटे,
संबंध से किया सनात जगत के रिश्ते नाते छूटे प्रकट हुए जो आप तभी माया के बंधन टूटे संबंध से किया सनात जगत के रिश्ते नाते छूटे भूल नहीं तेरे परिश्रम को करना है राजी बस तुमको समर्पण सब करके अपना बने प्यादा तेरा अब तो काकाजी तुम्हें प्रणाम रचयिता सुहृद समाज के जो प्रकट हुए आज धरा पर वो गंगोत्री आत्मीयता की है जो करे कल्याण संबंध से ही वो काकाजी तुम्हें प्रणाम 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 तारिका का हूँ तो कैमरे प्रमाणु कृपा तारिका का हूँ तो कैमरे प्रमाणु नेति नेति कही बधु कशु नहीं जानु नेति नेति कृपा तारिका का हूँ तो कैमरे प्रमाणु कृपा तारिका का हूँ तो कैमरे प्रमाणु नेति नेति कही बधु कशु नहीं जानु માનવ થઈને તું તો આવ્યો અમ પાસે માનવ થઈને તું તો આવ્યો અમ પાસે આપ્યો ઝરૂખો તારા દિલને આવાસે આપ્યો ઝરૂખો તારા દિલને આવાસે તારો સંબંધ એ જ સંપત્તિ નાણું તારો સંબંધ એ જ સંપત્તિ નાણું નેતિ નેતિ કહી વધુ કશું નહીં જાણું કરવા સજાતી તું આમ જેવો થાય કરવા સજાતી તું આમ જેવો થાય ચંદ્રની ઓથે જાણે રવિ તો છુપાય તારી લીલામાં મારું મન ભરમાણું તારી લીલામાં મારું મન ભરમાણું નેતિ નેતિ કહી વધુ કશું નહીં જાણું કશું નહીં જાણું
के तमती मन भरे लारे अंतर हरे लारे दिन डूबे ला रे हर पर हमेशा रे तब मात्मना सागर मही इस दिन डूबे ला रे हर पर हमेशा रे सगपण मान तो साधु गुणातीत सम नहीं ए बात तू समझाव तो शास्त्री जिनी हर आश ने निज प्यास मा पलटाव तो योगी तना बलिदान ने हर पल सदा दोहराव तो हे मावतर याद थी भैया भरे ला रे होठो बिड़े ला रे Thank you.
नंदी दीदी का जो बहुत अच्छी तरह से प्रगति दिन मनाया, तो हमारे ओपी जी का एक चैप्टर बाकी था, तो मैंने पूछा कि भजन तैयार हुआ हो तो सुनाओ, मगर अभी कल तक में तैयार हो तो सुनाना है। सुनते सुनाएंगे कि हाँ तैयार नहीं। तो मेरे द्वारा लिखने की कोशिश करिए, लेकिन अंकल ने कल मैं भूल गया बोलना, दिनकर अंकल ने मुझे, मैं हर बात में ना कर रहा था या नेगेटिविटी में था, और दिनकर अंकल हर बात में ये कहते थे कि आप ऐसा बोलो गुरुजी को, आप ऐसा बोलो कि हो जाएगा, मतलब पॉजिटिविटी। तो टोटल पॉजिटिविटी में अंकल रहते हैं और हमें वो सिखाते हैं कि कैसे हर समय आप हर चीज़ में पॉजिटिव रहोगे तो आपका ये काम हो जाएगा। तो मैं पूरा तो पॉजिटिव जितना भी हुआ उसमें से थोड़ा बना लिख पाया, तो अंकल ने ही मुझे गाइड किया कि ऐसे इन लाइंस पे लिखो। हे हमारी प्यारी दीदी, यह संसार की पृथ्वी, पूरे संसार की पृथ्वी, सात धरती, सात अरब प्राणी, पर हमारे लिए तो प्यारी दीदी, दिव्य दीदी, हमारी दीदी, हमारी अपनी दीदी, आध्यात्मिकता में अब्बल आनंदी न्यारी, आध्यात्मिकता में अब्बल आनंदी न्यारी, आ रहे हम सत्संग में, आ रहे हम सत्संग में सर्वोपरि के समय से, आ रहे हम सत्संग में सर्वोपरि के समय से, पहुँचे हैं आज यहाँ, पहुँचे हैं आज यहाँ पाकर प्रेरणा और आशीर्वाद आपके। दीदी एक कड़ी है, दीदी एक कड़ी है, सेतु है, जोड़ती है गुरुजी से, पहुँचाने हमें उस पार, जैसे काका ने कराई योगी जी की पहचान, वैसे ही आपने दी गुरु जी की पहचान। बस अब पक्का करा दो, बस अब पक्का करा दो तत्व से गुरु जी का, जैसे हैं वैसे स्वरूप से, अब पक्का करा दो तत्व से गुरु जी का, जैसे हैं वैसे स्वरूप से। हीरक जयंती की, आपके हीरक जयंती की पूर्व संध्या तक, जीवेम सरदे सतम पश्येम सरदे सतम। सजान स्वामी महाराज की जय। आज हमारे अभिषेक भाई का प्रगति दिन है, तो उसके बारे में थोड़ी है? मैं मेरी भावना बताऊं। हमारे अभिषेक भाई गुरुजी की और सब हरिभक्तों की बहुत सेवा करते हैं, और वो चैतन्य ही ऐसा दिखता है कि एकदम निर्माणी और अपेक्षा रहित जीवन जीता है। अभी भी मैं देख रहा था कि गुरुजी उनको बैक एंड फोर्थ भेजते थे, और वो इतना ही प्रेम से जाकर संदेशा लेते थे, देते थे। वो एक हमारे लिए बहुत आदर्श है, और ये आदर्श उनके साथियों को, उनसे बड़े हैं हमारे जैसों को भी और उनसे छोटे हैं सबको प्रेरणा मिलती है। इधर कोई बड़े छोटे का मेड़ नहीं है, जिसकी समझदारी बड़ी वो बड़ा, और उसके पास से हम जो भी सीखे वो हमें बहुत आगे बढ़ाएगा। अभिषेक भाई वैसे तो सबके साथ इतने लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, मगर जैसे इधर गुरुजी ने
बगजी महाराज, जागा स्वामी और कृष्ण जी यदा, ये तीन गुणाति स्वरूपों के बारे में काकाजी का जो आशीर्वाद है वो लिखा है कि ये तीन स्वरूप अलग अलग थे। दोनों वैसे बगजी महाराज और जागा स्वामी वो गोपाल स्वामी के शिष्य थे और फिर गोपाल स्वामी का देह त्याग होने के बाद वो गुणातीतानंद स्वामी के साथ सेवा में आए। कृष्ण जी अदा थे, वो उनके पिताजी उनको गुणातीतानंद स्वामी ने बोला कि आप साधु हो जाओ, राजकोट के पास में वो दूसरे गांव में रहते थे, तो उनके पिताजी ने बोला कि मेरे सब फैमिली वाले हैं, मेंबर्स हैं, बच्चे हैं, तो उसका क्या, तो बोलता है उसकी चिंता मैं करूँगा, आप साधु बन जाओ। तो उनके कहने पर वो साधु बन गए, अखंडानंद स्वामी मुनि वो नाम उनका था। और सचमुच गुणातीतानंद स्वामी ने जो प्रॉमिस दिया वो अदाश्री को ब्रह्मरूप बनाकर छोड़ा। वो गुणातीतानंद स्वामी का बहुत उपकार है, उनकी बहुत करुणा है। तो ये तीन स्वरूप है, एक ब्राह्मीन है, एक मोची है, एक दर्जी है। उस टाइम पे तो कास्ट सिस्टम इतनी स्ट्रांग थी कि पटेल को भी बनिया के साथ खाने नहीं देते थे, इधर बनिए तो आप होंगे और हमारा नंबर आपके पास भी नहीं बैठता, तो दर्जी और मोची का तो क्या। उसी समय में कृष्ण जी अदा के वाइफ, कृष्ण जी अदा जी के वाइफ जागा स्वामी को अपने घर में बिठाकर भोजन खिला रहे थे। जागा स्वामी कृष्ण जी अदा बाहर थे, तो जागा स्वामी को वो न तो इतना नहीं कि गुरु ही मानती थी, वो उनको भगवान का स्वरूप मानते थे और अपने हाथ से रोटी तोड़कर सब्जी में मिलाकर अपने हाथ से वो जागा स्वामी को खिला रहे थे। एक स्त्री कोई पुरुष को उस टाइम पे ऐसा खाना खिलाए वो बात पॉसिबल नहीं थी, मगर ये समझदारी की बात है, अंडरस्टैंडिंग की बात है कि वो कितने एलिवेटेड अंडरस्टैंडिंग वाले हो गए कि ब्राह्मीन बाई एक मोची कास्ट के संत को हमारे उनके घर लाकर अपने हाथ से खाना खिला रहे। उनका भाव ये था कि इसके द्वारा गुणातीतानंद स्वामी भोजन ग्रहण कर रहे हैं, मैं तो गुणातीतानंद स्वामी को खिला नहीं सकती थी, मगर आज आपके अंदर गुणातीतानंद स्वामी है, महाराज बैठे हैं, तो मैं आपको खाना खिलाऊँ। वो भाव का वो जो जागा स्वामी थे वो भी समझ रहे थे और वो ग्रहण कर रहे थे। उसी ही टाइम पे कृष्ण जी अदा घर में आ रहे हैं और उनके हाथ में रोटी है और जागा स्वामी के मुंह में रख रही है। वो कृष्ण जी अदा घर में एंटर हो रहे हैं, वो देख रहे हैं। कृष्ण जी अदा को क्या विचार आया होगा, उन्होंने सोचा कि ये जो लीला है उसको मैं जो नजदीक में जाऊंगा तो डिस्टर्बेंस आ जाएगा, ये लीला जो हो रही है उसमें डिस्टर्बेंस आ जाएगा, वो उधर से वापस बाहर चले गए और उनको अच्छी तरह से वो सेवा पूरी करने दिया। ऐसी समझदारी ये गुणातीत तीन सत्पुरुष के अंदर थी। आज ऐसे ही तीन गुणातीत सत्पुरुष या ज्यादा, उनकी सेवा हमारा अभिषेक वो भाव से कर रहा है। गुरुजी हो, हरिप्रसाद स्वामी जी, साहेब दादा, निर्मल स्वामी, जो भी इधर मंदिर में आए
उनको वो भाव से कि ये सब काकाजी के स्वरूप है, मैं काकाजी को राजी कर रहा हूँ। तो ये आज हम हमारे अभिषेक भाई से जरूर पक्का करें कि हमारे अंदर वो समझदारी आएगी तो अंतर में बहुत आनंद आएगा। और काका जी जो कह रहे हैं कि हमारा एक देशी एक देशस्थ समझदारी और ज्ञान को ऊंचे उठाकर सर्वदेशीय सर्वदेशस्थ ज्ञान में हम प्रवेश करें, मगर होता है क्या कि जब भी हम किसी और व्यक्ति या स्वरूप को देखते हैं ना, तो उनके अंदर थोड़ा सा तो हमारे गुरु का भाव आता है, मगर कुदरत ने नेचर ने हमारे अंदर राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन दो मगज दिए हैं। एक है इमोशनल है, लेफ्ट ब्रेन वाला है वो भावना वाला पार्ट है, लेफ्ट लेन के राइट लेन भावना वाला है, और लेफ्ट लेन है वो लॉजिक वाला है। तो जब राइट लेन भावना से ये बात सोचता है तो लेफ्ट लेन प्रोटेक्शन के लिए बोलते हैं कि सावधान है, थोड़ा सोचो, इतना इमोशनल मत हो जाओ है, और उसके अंदर वो डिस्टर्बेंस लाता है, बाधा डालता है। मगर जो हम दोनों को बैलेंस करके उनसे ऊपर उठकर ये भावना से ये सब स्वरूपों के अंदर हमारे गुरुजी का दर्शन करेंगे तो धीरे धीरे जो हमारी जो लेफ्ट राइट चलती है ना वो बंद हो जाएगी और हम वो भावना से सेवा कर पाएंगे। तो आज अभी एक मिनट से भी टाइम कम है तो हमारी वही प्रार्थना है कि हमारे लाडले हैं, कोई केक भी लाए हैं क्या? केक नहीं है? नहीं, कल रात को मैं रह गया कोई बात नहीं, मगर मेरे तो मेरे लिए तो लाए हैं। अभिषेक भाई के लिए लाए? अरे वाह, लाओ तो लाओ, वो अभिषेक भाई के लिए हम क्या देवे आज बर्थडे पर। सबसे बड़ी बात महाराज को याद करके हम सब धुन करें और वो धुन का फल अभिषेक भाई को दे दे। हे महाराज समनारायण 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 समनारायण। गुरु की जब गोद मिली जीवन में है खुशियां भरी, गुरु ही सर्व